नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के एक विश्व विरासत स्थल पर, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। यह आगरा ज़िले में स्थित है। यह आप सलीम चिश्ती की दरगाह देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर निर्मित जामा मस्जिद के सामने निर्मित है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इस जो मकबरे का या खानकाह का जो निर्माण करवाया था, वो शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से, जो उनका पुत्र जहांगीर पैदा हुआ था उसकी याद में उन्होंने इस मज़ार का निर्माण करवाया था। इसके बाद ये है यहाँ का बुलंद दरवाज़ा। इसका निर्माण अकबर ने इतिहास का सबसे धूर्ततम जो अभियान कहा जाता है, गुजरात फतेह का, उस गुजरात फतेह के याद में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने यहाँ करवाया था। इस बुलंद दरवाजे की ऊंचाई देखते ही बनती है। बाहर से देखने पर इसे देखने के लिए पूरी गर्दन जो है वो उठानी पड़ती है। इसके दोनों तरफ कुछ उर्दू में आयतें लिखी हुई है। ये इस बुलंद दरवाजे की हाइट लगभग 54 मीटर के आसपास है। इसे पूरे फतेहपुर सीकरी का जो है व्यू आप लोग देख सकते हो, कि यहाँ से पूरे फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसका व्यू देखा जा सकता है। काफ़ी ऊंचाई पर ये निर्मित है। इसके बाद ये जो अकबर की रानियाँ थी उनका महल है। सामने है, यहाँ पर पशुओं को बांधा जाता था। ये अकबर की रानियों के महल थे, महल हुआ करते थे। ये अनूप तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन इसके मध्य में बैठकर राग मल्हार, राग भैरवी आदि का गायन करते थे। इसके पश्चात ये सबसे जो कहें इस फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स की सबसे सुंदर इमारत है, जो कि टर्की सुल्ताना के महल के नाम से जाना जाता है। इस पर लाल पत्थर पे जो बारीकी से कारीगरी की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कारीगरी पत्थर पर न करके लकड़ी पर की गई हो। आज भी ये पूरी बिल्डिंग एकदम यथावत उसी रूप में यहाँ पर है, जिसे हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आकर्षक स्थलों में दीवाने आम, दीवाने खास और हिरण मीनार आदि स्थित हैं। ये पंचमहल है, 5 मंजिल पे स्थित है, पिरामिड के आकार में बना हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।